हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ SEO के बारे में। SEO का मतलब क्या, सबसे पहले ये बता देता हूँ। तो SEO का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का यह मतलब कि आपकी वीडियो के वायरल होने के चांस ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे अगर आप अपनी वीडियो के अंदर SEO को 100% रखते हैं। तो आपकी वीडियो 100% एक ना एक दिन वायरल पक्की हो जाएगी। हम अपना 100% देंगे तो वीडियो वायरल क्यों नहीं होगी। अगर आप अपना ही 100% नहीं दे रहे, वीडियो का SEO 100% नहीं है, तो वीडियो भाई कैसे वायरल हो जाएगी। आप अपनी हर एक वीडियो का अगर SEO 100% रखेंगे तो आपकी वीडियो डेफिनेटली वायरल होगी। तो गाइस, अगर आप एक यूट्यूबर हैं, अगर या फिर आप एक यूट्यूबर बनने जा रहे हैं, तो आपको SEO का ज्ञान होना चाहिए, तभी आपकी वीडियो वायरल हो सकती है। तभी आपकी वीडियो का SEO 100% होगा, तभी वायरल होगा आपकी वीडियो, वरना आपकी वीडियो वायरल नहीं होगी। क्योंकि SEO वीडियो के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। जो भी यूट्यूबर है, जो भी यूट्यूबर बनने जा रहा है, जो भी यूट्यूब का चैनल खोलना चाहता है, उसको SEO का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। क्योंकि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बिना आपकी वीडियो कभी वायरल होने वाली नहीं है। अगर आपका एक टैग चैनल है, आपका एक म्यूजिक का चैनल है, या फिर आपका एक कॉमेडी का चैनल है, या फिर आप एक कुकिंग बनाना सिखाते चैनल पे, या फिर आपका किसी भी कैटेगरी का चैनल है, तो आपको SEO की जरूरत बहुत ही ज़्यादा पड़ेगी। अगर आपको SEO नहीं आता, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपको नहीं आता, तो आपकी वीडियो वायरल नहीं होगी। तो गाइस, इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो 20 मिनट के आसपास बन जाएगी, बट ये वीडियो बड़ी इसलिए बनेगी ताकि कंप्लीट SEO समझाने के लिए आपको वक्त देना होगा। इस वीडियो को आपको अपनी जिंदगी 20 मिनट इस वीडियो को देने होगी ताकि आपको कंप्लीट SEO समझ में आ जाए। अगर आपका यूट्यूब चैनल नहीं है, या फिर आप नहीं है, मतलब आपका एक यूट्यूब चैनल नहीं है और आपके दोस्त का यूट्यूब चैनल है, तो इसको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा काम की होने वाली है। अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देख ली और अपने वीडियो का SEO 100% रखेंगे, तो आपकी वीडियो के चांस भी आपके 100% बन जाएंगे। तो गाइस, आपसे रिक्वेस्ट मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि SEO की जानकारी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपने वीडियो कंप्लीट देख ली तो जल्दी आपकी वीडियो वायरल होगी और आप भी अपने वीडियो का SEO 100% कर सकेंगे। तो गाइस, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए गाइस, करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि भविष्य में आने वाली एक भी वीडियो आप मिस ना करें। तो चलिए गाइस, करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। सो गाइज, हम आ चुके हैं यूट्यूब स्टूडियो के अंदर। जो मैंने यहाँ पे वीडियो बनाई हुई है, इनके व्यू अभी तो नहीं आए, बट बाद में ये वीडियो के वायरल होने के चांस काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। क्यों बढ़ चुके हैं, चलिए मैं एक वीडियो को आपको खोल के दिखा रहा हूँ अभी कि वायरल होने के चांस क्यों बढ़ गए हैं इसके। तो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जैसे कि मैंने टाइटल डाला हुआ यहाँ पे, लाइव प्रूफ हाउ टू लॉन्ग, मतलब हाउ टू लाइव गेमिंग ऑन यूट्यूब, पबजी लाइव, फ्री फायर लाइव, लाइव गेमिंग ऑन यूट्यूब। तो मैंने लाइव की वीडियो बनाई थी कि गेम को लाइव कैसे कर सकते हैं यूट्यूब की ऐप पर। तो मैंने लाइव कितनी बार यूज़ किया, 1, 2, 3, 4, 5 बार मैंने लाइव यूज किया है। और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैंने कई बार लाइव यूज किया है, जो कि टाइटल के अंदर मैंने यूज किया है। उसी प्रकार के टैग्स मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर यूज किए हैं। तो पहले मैंने ये यूज किया है टैग्स, और बाद में मैंने मेरा इंट्रोडक्शन दिया है नीचे। तो इस प्रकार से मैंने पहली बार यूज किया है, और मैंने इस वीडियो का SEO देखा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जो कि आपको दिखाऊंगा। और मैंने यहाँ पे टैग्स देखे, जो कि ये वायरल होने के चांस है, क्योंकि ग्रीन दिखाई दे रहे हैं, यूट्यूब की हेल्प से मैं देख पा रहा हूँ। तो ये मैंने टैग कैसे लगाए और कहाँ से लगाए, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिएगा, इसका SEO देखते पहले इसके SEO को समझते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को समझ लेते हैं कि मैंने कैसा यूज किया था। तो ट्यूबबडी की हेल्प लेते हैं SEO स्टूडियो को इस वीडियो का SEO देखने के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हाउ टू लाइव गेमिंग ऑन यूट्यूब। तो हाउ टू लाइव गेमिंग ऑन यूट्यूब ये मैंने लिख दिया है और मैंने इसको स्टार्ट कर दिया है। तो देखिएगा, इस मेरा इस वीडियो का SEO जो कि आपको दिखाई दे रहा है, ट्यूबबडी SEO स्कोर जो कि मेरा अभी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। कंप्लीट 100% SEO मैंने इस वीडियो का दिया है, कंप्लीट 100%। कैसे हो सकता है भाई, फिर भी ये वीडियो वायरल क्यों नहीं हुई भाई। तो भाई, इसका रीज़न ये है कि वायरल होने में थोड़ा टाइम लगता है, बट हमें अपने तरफ से कोई कमी नहीं रखनी चाहिए, कि अपने तरफ से SEO फुल देना चाहिए, पूरा 100% देना चाहिए। तो 100% SEO आप विदाउट ट्यूबबडी के कैसे दे सकते हैं, ये मैं इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा मेरे भाई, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आपने ये वीडियो मिस कर दी
तो आपकी वीडियो के वायरल होने के चांस नहीं बढ़ेंगे। अगर आपने वीडियो कंप्लीट देख ली तो आपकी वीडियो के वायरल होने के चांस इंक्रीज हो जाएंगे कि YouTube पे वीडियो का SEO कैसे देते हैं, ये मैं इसके अंदर कंप्लीट डिटेल बताने जा रहा हूँ। तो जैसे कि आपको यहाँ पे टाइटल दिखाई दे रहा है, ये कंप्लीट मैंने आपको दिखाया है, तो मैं एक बार डिस्क्रिप्शन आपको बता देता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में मैंने पहले तीन टैग्स पहले डिस्क्रिप्शन में मैंने यूज की है कि हाउ टू लाइव गेमिंग ऑन यूट्यूब, हाउ टू लाइव गेमिंग ऑन यूट्यूब मोबाइल, हाउ टू लाइव गेमिंग ऑन यूट्यूब पीसी। तो हम लाइव गेमिंग के बता रहे जा रहे हैं कि यूट्यूब पे लाइव गेमिंग कैसे करेंगे, तो इस प्रकार से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने टैग डाले यहाँ पे, जो हमने टाइटल के अंदर टैग डाले वही हमने यहाँ पे टैग डाले। जो हमें पहला टैग डालते हैं लाइव प्रूफ जो मैंने लिखा हुआ है, तो जो हम सेकंड टैग डालते हैं टाइटल के अंदर जो कि लिखा हुआ मैंने हाउ टू लाइव गेमिंग ऑन यूट्यूब, तो सेकंड टाइटल के चांस ज़्यादा वायरल होने के चांस ज़्यादा होते हैं। जो हम सेकंड टाइटल डालते हैं उसके ऊपर बेस होता है कि वीडियो के वायरल होने के चांस कितने हैं। तो यहाँ पे ट्यूबबडी 100% मेरा ये रेशियो दिखा रहा है। तो ये टैग्स, ये टाइटल, डिस्क्रिप्शन मैंने कहाँ से लिए वही मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो गाइस जैसे कि मैंने दूसरा यूट्यूब ओपन कर लिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि हाउ टू लाइव गेमिंग ऑन यूट्यूब, तो ये मैंने लिख दिया। ये लिखने के बाद यहाँ पे क्या शो हो रहा है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऊपरी ऊपर शो हो रहा है हाउ टू लाइव गेमिंग ऑन यूट्यूब। तो मैंने ये कहाँ पे यूज कर लिया, मैंने टाइटल में यूज कर लिया, टाइटल में भी कहाँ पे सेकंड नंबर पे। तो पहले मैंने क्या यूज किया, लाइव प्रूफ, कि मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ कि लाइव गेमिंग कैसे कर सकते हैं यूट्यूब की एप्लीकेशन के ऊपर। और मैंने सेकंड नंबर पे टाइटल यूज क्यों किया, क्योंकि सेकंड नंबर का जो टाइटल होता है वो वीडियो को वायरल होने के चांस इंक्रीज कर देता है, तो इसलिए मैंने इसको सेकंड नंबर पे लिख लिया। तो गाइज आगे आपको दिखाता हूँ कि मैंने ये वाले टैग कहाँ से लिए जो भी यहाँ पे आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं, और मैंने इनको यहाँ पे क्यों डाला ये भी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो ताकि आपको समझ में आए कि 100% वीडियो का SEO कैसे दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो नीचे आपको सभी टैग्स दिखाई दे रहे हैं हाउ टू लाइव गेमिंग ऑन यूट्यूब, हाउ टू लाइव गेमिंग ऑन यूट्यूब मोबाइल, हाउ टू लाइव गेमिंग ऑन यूट्यूब पीसी, हाउ टू गेमिंग लाइव ऑन यूट्यूब तमिल, हाउ टू लाइव स्ट्रीम गेमिंग ऑन यूट्यूब। तो मैंने इन सभी टैग्स को कॉपी कर लिया और कॉपी करके मैंने सभी टैग्स को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो गाइज मैंने यहाँ पे पेस्ट क्यों किया और इसके नीचे पेस्ट क्यों नहीं किया, तो सॉरी गाइज बैकग्राउंड में थोड़ी आवाज़ आ रही है, तो आप दिक्कत मत लेना बात की, बस मेरी बातों पे ध्यान देना, बैकग्राउंड आवाज़ को इग्नोर करना। तो गाइज जैसे कि यहाँ पे मैंने टैग क्यों डाले, इन टैग्स को इस इंट्रोडक्शन के नीचे क्यों नहीं डाले, क्योंकि गाइज जो ट्यूब बडी का एक्सटेंशन है जो मैंने ऐड कर रखा है, तो मैंने कैसे ऐड किया वो मैं आपको बता दूंगा, कोई नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा अगर आप चाहेंगे तो, फ्री में ट्यूब बडी को कैसे यूज कर सकते हैं वो बता दूंगा आपको मैं। तो गाइज जैसे कि ट्यूब बडी की कई सारी यहाँ पे बता रखा है कि टैग्स को कहाँ कहाँ पे यूज करना है, मैंने कंप्लीट इनको पढ़ा तभी यहाँ पे यूज किया, तभी मेरा SEO 100% गया। वो तो बाद की बात है कि वीडियो कितनी वायरल होगी और कितनी वायरल नहीं होगी, बट हमें हमारा 100% देना बहुत ज़रूरी है, तभी वीडियो के वायरल होने के चांस बढ़ेंगे। तो गाइज मैंने इन टैग्स को यहाँ पर इसलिए डाला क्योंकि ट्यूबबडी एक्सटेंशन बोल रहा है कि जो आपने टैग्स डालने हैं और डिस्क्रिप्शन के अंदर ऊपर वाली लाइन्स में डालें ताकि वीडियो के वायरल होने के चांस बढ़ें। तो जो YouTube का हमारी वीडियो का टाइटल के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसके अंदर हमें टैग्स ऊपर ही ऊपर यूज करने चाहिए ताकि जो भी सर्च में आए जल्दी से सर्च करके हमारी वीडियो सबसे आगे आए, इसलिए इसको SEO बोलते हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में सबसे ऊपर वीडियो लाने का यही तरीका है, यही वीडियो को वायरल करने का तरीका है, बस हमें हमारा 100% देना है। तो मैंने आपको टाइटल बता दिया, डिस्क्रिप्शन बता दिया, डिस्क्रिप्शन में नीचे हम अपना इंट्रो लिख सकते हैं और तीन ये हैशटैग दे सकते हैं इसके अंदर, जो मैंने यहाँ पे तीन हैशटैग लिखे हुए हैं ये तीन हैशटैग यहाँ पे हम दे सकते हैं ताकि कोई भी हैशटैग सर्च करे तब भी हमारी वीडियो आगे आ जाए। और नेक्स्ट में मैंने अब बता दिया टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, ये था स्टेप वन। अब चलते हैं स्टेप टू पे, जो कि बात होगी टैग्स की। तो यहाँ पे टैग्स की बारी आती है, टैग्स यहाँ पे लिखे हुए How to live gaming on YouTube, how to live gaming on YouTube, how to live gaming on YouTube PC, how to live stream gaming on YouTube। तो इस प्रकार के टैग्स आपने डिस्क्रिप्शन में भी देखे होंगे, एक बार आपको बैक करके दिखा देता हूँ। तो मैंने जो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के आपको कंप्लीट टैग दिखाई दे रहे हैं, ये कंप्लीट के कंप्लीट टैग्स मैंने जो डिस्क्रिप्शन के अंदर डाले हैं वही मैंने टैग वाले फोल्डर में भी डाल दिए यहाँ पे, जो कि मुझे ट्यूबबडी बोल रहा था कि जो आप टाइटल के अंदर यूज करें वही डिस्क्रिप्शन के अंदर यूज करें, जो डिस्क्रिप्शन के अंदर यूज करें वही टैग्स के अंदर यूज किए।
यूज करें, तो मैंने वैसा यूज करा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू इम्प्रूव योर स्कोर, तो हम अपने स्कोर को SEO के स्कोर को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। इंक्लूड योर एक्सैक्ट टारगेट कीवर्ड एज द फर्स्ट टैग, जो कि हमने अपने टाइटल के अंदर टैग डाला था वही डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पे टैग डालें, जो कि मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, जो कि यहाँ पे सेकंड नंबर पे मैंने टाइटल का टैग इसलिए डाला था क्योंकि ताकि सेकंड का जो कीवर्ड होता है वो ज़्यादा रैंक करता है। और यही सेम टैग मैंने डिस्क्रिप्शन के ऊपर डाला सबसे पहले, और यही सेम टैग मैंने यहाँ पे टैग्स वाली लिस्ट में डाला हाउ टू लाइव गेमिंग ऑन यूट्यूब। तो ये सेम टैग डालने का मतलब है अपने SEO को 100% करने का तरीका। तो आपने अगर ये सेम तरीका यूज किया है तो आपकी वीडियो के वायरल होने के चांस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। अगर आपका SEO स्कोर 100% है तो आपके वीडियो के इंक्रीज होने के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप अपना 100% SEO रखें ताकि अपने वीडियो के वायरल होने के चांस काफ़ी हद तक बढ़ जाएँ। इसलिए अपना SEO को 100% तक जरूर रखें। ये था टैग वाला फोल्डर। अब आ जाते हैं थंबनेल पे कि हमने थंबनेल का क्या किया है। तो थंबनेल मैंने इस प्रकार से डिज़ाइन किया है, जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे टाइटल डाला है और जहाँ से मैंने डिस्क्रिप्शन डाला है और जिस प्रकार से मैंने टैग्स डाले हैं उनसे रिलेटेड कीवर्ड मैंने थंबनेल पे डाले हैं। यूट्यूब ऐप से गेम लाइव कैसे करें, तो यूट्यूब ऐप गेम लाइव ये मैंने इंग्लिश में लिख दिया, और से और कैसे करें ये मैंने हिंदी में क्यों लिखा, क्योंकि इसका फ़ायदा ये है कि ये इसका इंप्रेशन ज़्यादा होता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों यूज कर रहे हैं हम, तो इसका इंप्रेशन ज़्यादा जाएगा कि यूट्यूब ऐप से लाइव गेम कैसे करें, स्टार्ट यूर गेमिंग चैनल, ये लिखने का मतलब ये है कोई गेमिंग चैनल स्टार्ट कर रहा है और उसको लाइव करना है तो इस प्रकार का थंबनेल उसके सामने जाएगा, तो इसका इंप्रेशन ज़्यादा पड़ेगा और वीडियो पे व्यूज आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम वीडियो का SEO डाल सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा देता हूं कि मेरा 100% SEO कैसे रहा था। तो कंप्लीट मैंने इस वीडियो के अंदर बातें बताई हैं। तो मैंने जो टाइटल डाला है ये मैं सर्च से लाया था, जो कि मैंने यहाँ पे सर्च किया था, इस सर्च से मैं टाइटल लाया था, और ये डिस्क्रिप्शन वाले मैंने सभी सर्च वाले डाल रखे हैं जो यहाँ पे सर्च वाले हैं। तो इसी प्रकार से मैंने टैग्स भी यहाँ पे सर्च वाले डाल रखे हैं जो यहाँ पे सर्च मैंने किए थे, और मैंने थंबनेल पे पूरी मेहनत की थी और मैंने टाइटल और डिस्क्रिप्शन और टैग्स से मिलता जुलता हुआ थंबनेल तैयार किया। तो इस प्रकार से मेरा इस वीडियो का SEO 100% तक पहुँच गया है, और इस वीडियो पे अभी तो सिर्फ 11 व्यू है, बट बाद में फिर कभी इन फ्यूचर, ये वीडियो मैंने इन फ्यूचर के लिए बनाई है कि इन फ्यूचर में इस प्रकार की चीज़ें ज़्यादा बढ़ेगी, ज़्यादा सर्च में आएगी तो अपनी वीडियो ऊपर आएगी, अपनी वीडियो का SEO काम करेगा। तो आप बाद में देख सकते हैं इस वीडियो को, 6 या 7 महीने बाद इस वीडियो को अगर आप देखोगे तो इस पे व्यू काफ़ी ज़्यादा आएंगे क्योंकि इसका SEO 100% है। 100% का मतलब हमने इसके अंदर कोई भी कमी नहीं रखी है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इस वीडियो के अंदर 101% काम कर रहा है, पूरा 100% काम कर रहा है, हमने कोई मिस्टेक नहीं की इस वीडियो के अंदर। तो बाकी आपको दिखा देता हूँ कि जैसे कि मैंने यहाँ पे ये टाइटल डाला है, जैसे कि मैंने ट्यूबटे के अंदर खोल के आपको दिखाया था। तो एक और मेन बात आपको बताने जा रहा हूँ, तो वो कृपया ध्यान से देख लेना, ये मैं भी पहले मिस्टेक करता था और आप अब ये वाली मिस्टेक मत करना। तो मैं क्या मिस्टेक करता था पहले, तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा हाउ टू लाइव गेमिंग ऑन यूट्यूब। तो भैया ये क्या चीज़ है, फाइल नेम हाउ टू लाइव गेमिंग ऑन यूट्यूब। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप जो भी वीडियो एडिट करते हैं तो एडिट के टाइम पे हम यहाँ पे कोई नाम देना भूल जाते हैं, तो हमें यहाँ पे नाम देना है। मैं मेरी और वाली वीडियो आपको दिखा सकता हूँ, तो एक मिनट लगेगा, मैं मेरी पहले वाली वीडियो आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे ये है मेरी पहले वाली वीडियोज, और मैं आपको दिखा देता हूँ खोल के, तो मैं ये वाली वीडियो खोल के दिखा देता हूँ आपको। तो इस वीडियो खोलने के बाद आपको पता लगेगा अभी। तो आप मेरा फाइल नेम यहाँ पे देख सकते हैं, मैं एडिट करने के बाद, वीडियो को एडिट करने के बाद मेरा फाइल नेम चेंज नहीं करता था, जो कि मेरी बहुत बड़ी भूल थी, और मेरा वीडियो का SEO 100% काम नहीं करता था। तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब आप वीडियो एडिट करते हैं, वीडियो एडिट करने के बाद अगर आप मोबाइल के अंदर एडिट करते हैं तो फाइल मैनेजर के अंदर जाएँ, और जहाँ पर आपकी वीडियो एडिट हुई है वहाँ पर जाके
फाइल का नेम चेंज करें, फाइल का नेम वो रखें जो हम टाइटल में डालते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि मैंने फाइल का नेम क्या रखा है, तो इसी वीडियो को खोल लेते हैं। तो इस वीडियो को खोलने के बाद यहाँ पे दिखा रहा हूँ हाउ टू लाइव गेमिंग ऑन यूट्यूब। तो यहाँ पे लिखा मैंने हाउ टू लाइव गेमिंग ऑन यूट्यूब। तो ये मैं सबसे बड़ी भूल करता था कि वीडियो एडिट होने के बाद मैं मेरा फाइल नेम चेंज नहीं करता था। फाइल नेम भी मायने रखता है, आपकी वीडियो को वायरल करने का चांस रखता है। फाइल नेम भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, तो ये मिस्टेक आप मत करें। फाइल नेम आप अपना वही रखें जो आप अपने वीडियो का टाइटल रखना चाहते हैं। तो गाइज अगर आपको विश्वास ना हो वीडियो के वायरल होने का, तो आप मेरी वीडियो कम से कम 2 या 3 महीने के बाद में देख सकते हो। मेरी वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा व्यू आए हुए आपको मिलेंगे। तो आप गाइस ये देखो कि जो यहाँ पे टैग वायरल हो रहे, जो कि ट्यूबडी एक्सटेंशन मुझे बता रहा है, जो यहाँ पे ग्रीन शो हो रहे टैग, ये टैग मेरे वायरल होने के चांस है। तो ये टैग मैंने कहाँ से लिए? तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्यूबडी एक्सटेंशन की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये वाले यहाँ पे ये सर्च करने के बाद ही आप टाइटल डालने वाले हैं, तो इस टाइटल के नीचे जो भी आपको ये टैग्स दिखाई दे रहे हैं, इनको आप कॉपी कर लें या फिर देखकर लिख लें, कुछ भी कर लें, और इनके बाद आप एक एक कोमा लगाना है। इनको कॉपी करने के बाद एक एक कोमा लगाने के बाद आप डायरेक्ट यहाँ पे टैग्स के अंदर डाल सकते हैं। डायरेक्ट टैग के अंदर डालने के बाद आपके भी यहाँ पे ग्रीन शो होंगे। बट अगर आपके पास ट्यूबडी नहीं है, आप ट्यूबडी का यूज नहीं कर रहे, तब भी आप इतना भरोसा रखना कि मैंने ये बात बोली है कि यहाँ पे आपके टैग ग्रीन होंगे, क्योंकि जो यहाँ पे टैग दिखाता है, इन टैग्स की वायरल होने की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। ये टैग्स यहाँ पे इसलिए शो होते हैं क्योंकि ये टैग्स ज़्यादा सर्च में आते हैं, ये टैग ज़्यादा सर्च होते हैं। इसलिए आप ये वाले टैग डालें तो आप मेरी बात मानें, आपका वीडियो का SEO 100% तक रैंक करेगा और आपकी वीडियो कभी भी वायरल हो सकती है। तो गाइज जो भी नया यूट्यूबर है या फिर जो भी नया चैनल खोलने वाला है, मेरी ये वाली वीडियो देख रहा है, तो इसको इग्नोर मत करना और पूरी वीडियो देखना। मैंने इसमें कंप्लीट जानकारी बताई है कि आप टाइटल कैसे डालेंगे, आप डिस्क्रिप्शन कैसे डालेंगे, आप थंबनेल कैसे बनाएंगे, आप टैग्स कैसे डालेंगे। तो एक कंप्लीट जानकारी मैंने आपको बता दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो गाइज प्लीज एक लाइक जरूर कर देना, और वीडियो को वायरल कराने के लिए आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं ताकि SEO से अलग भी हम कुछ कर लें। तो गाइज अगर मेरी मेहनत का आपको कोई नतीजा आपके वीडियो में दिखाई दे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा, बनाता रहूंगा। तो गाइज ये वाली वीडियो आपको मेरी कैसे लगी तो कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा। तो चलिए गाइज कुछ बातें और कर लेते हैं। सो गाइज आपने अगर ये वीडियो कंप्लीट देखी तो आपको कंप्लीट SEO समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि हमें वीडियो में SEO कैसे लगाना है, हमें वीडियो बढ़ाने के चांस कैसे मिल सकते हैं, हमारी वीडियो कैसे वायरल हो सकती है, हमारी वीडियो सजेशन में कैसे जा सकती है, हमारी वीडियो ब्राउज फीचर में ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रेशन कैसे ला सकती है। तो कंप्लीट SEO पे डिपेंड करता है। मैंने कंप्लीट SEO आपको समझा दिया है। अगर आपने मेरी वीडियो कंप्लीट देखी होगी तो आपकी वीडियो जल्द ही वायरल होगी, ये मैं 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि मैंने जो वीडियो के अंदर SEO बताया है, अगर आप कंप्लीट SEO अपनी वीडियो के अंदर यूज करोगे और तब भी आपकी अगर वीडियो वायरल नहीं हो जाती तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। अगर आपकी वीडियो मेरी बताई हुई SEO से वायरल हो गई तो मेरे चैनल को शेयर कर देना गदागद गदागद गाइस, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा, और आपकी वीडियो कैसे ज्यादा वायरल होगी, कैसे और अच्छे अच्छे टैग्स ला सकते हैं, तो मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बनाता रहूंगा और आपको बताता रहूंगा कि अपने YouTube चैनल को हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि YouTube चैनल धीरे धीरे ग्रो होता है। हमें पेशेंस रखना होगा YouTube चैनल ग्रो करने के लिए, हमें पेशेंस रखना होगा, क्योंकि पेशेंस रखने से सब कुछ होता है। एकदम से कुछ नहीं होता, एकदम से किसी की वायरल नहीं होती। जो भी बड़े यूट्यूबर हैं उनकी भी धीरे धीरे वायरल हुई थी। तो मैंने आपको इस वीडियो में क्या क्या बताया है कि हम टैग्स कैसे लगाएंगे वीडियोस के अंदर, और स्टार्टिंग से बताता हूँ चलो आपको कि हम वीडियो के अंदर टाइटल कैसे लिखेंगे और डिस्क्रिप्शन कैसे लिखेंगे। ये मैंने स्टेप 1 बताया था इस वीडियो के अंदर, और स्टेप 2 में मैंने जिक्र किया था कि हम इस वीडियो के टैग्स कैसे लगाएंगे, और स्टेप 3 में मैंने जिक्र किया था कि इसका थंबनेल कैसे लिखेंगे। बस 3 स्टेप में मैंने SEO को कंप्लीट किया है,
टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग, थंबनेल, अगर आपने तीनों स्टेप बड़े अच्छे ढंग से कर लिए तो आपकी वीडियो को वायरल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप बड़े अच्छे से काम करेंगे, अगर आप YouTube पर आए हैं तो अपना दम दिखाएंगे और अपनी इमेज बनाएंगे, तो आप अपनी इमेज बनाने के लिए आपको पसीना बहाना पड़ेगा तभी आपकी इमेज बनेगी YouTube के ऊपर, क्योंकि आपको पूरा जोर दिखाना होगा, आपको दिखाना होगा कि आपके अंदर टैलेंट है, आपको वीडियो की क्वालिटी दिखानी होगी। अगर आपके पास कैमरा अच्छा नहीं है तो मतलब क्वालिटी का मतलब ये नहीं कि आपके पास कैमरा अच्छा नहीं है, क्वालिटी का मतलब ये है कि आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या बता रहे हैं, आप जो बता रहे हो कितने काम का है, तो कंप्लीट बातें डिपेंड करती हैं। अकेला SEO भी काम नहीं करेगा और हमें हर एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी वीडियो की क्वांटिटी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब क्वांटिटी का मतलब ये है कि वीडियो ज्यादा से ज्यादा मत बनाए, वीडियो जो वही बनाए जो हमें ज्यादा ज्ञान की लगती है, जो दूसरों के काम की होती है, क्योंकि इसी से आप पे जो भी नए सब्सक्राइबर आएंगे आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आपका इंप्रेशन जमेगा, आपका इंप्रेशन जमेगा तो आपका चैनल ग्रो होगा। तो इसलिए आपको क्या ध्यान रखना है कि वीडियो के अंदर आप अच्छे से अच्छा बताएं, जो भी ज्ञान की बात है जिसमें आपने महारत हासिल कर रखी है उसी के बारे में बताएं। SEO का जैसे मैंने बताया, क्योंकि मैं पिछले 1.5 सालों से इसके ऊपर सर्च कर रहा था, मैंने देखा कि ट्यूबबट की हेल्प से मुझे सब बातों का पता लगा कि वीडियो का SEO कैसे ग्रो हो सकता है, वीडियो का 100% SEO कैसे कर सकते हैं, वीडियो का टाइटल कैसे लिख सकते हैं, वीडियो में डिस्क्रिप्शन कैसे लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद आप वीडियो के अंदर टैग कैसे लिख सकते हैं, टैग लिखने के बाद आपका थंबनेल कैसा है, और सभी ये बात मायने रखती है कि आपके वीडियो के अंदर आपने क्या बोला है, ये बोला जो आपने बोला वो काम का है या नहीं है, सभी बातें आपके ध्यान में रखते हुए आपके सब्सक्राइबर इंक्रीज होते जाएंगे। और अगर आपने अच्छा नहीं बनाया, अच्छा नहीं किया, तो आपके सब्सक्राइबर इंक्रीज नहीं होंगे, वीडियो यहां पे रुक जाएगी। तो मैं यही बोलूंगा कि अच्छे से अच्छी वीडियो बनाए, अच्छे से अच्छा कंटेंट लाए जो दूसरों के काम आए, ऐसा कंटेंट बनाए, और अपना इंप्रेशन अपने हाथ में होता है। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसे लगी, अगर आपको SEO के बारे में कुछ और पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। आप ये बोलोगे आप ज्यादा हाथ चला रहे हो, ज्यादा हाथ तो मैं इसलिए चला रहा हूं क्योंकि कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं कि मैंने 100% SEO बताया है जो YouTube पे आज तक किसी ने नहीं बताया है। मैंने बताया कि 100% SEO हम कैसे डाल सकते हैं अपने वीडियो के अंदर, क्योंकि 100% SEO डालने से आपकी वीडियो वायरल हो सकती है। तो गाइस ये वीडियो ज्यादा लंबी हो चुकी है, अगर आपको SEO के बारे में कुछ भी पूछना है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगी तो लाइक कीजिए, और अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर सकते हैं। तो गाइस मुझे आपको पता लग जाएगा कि मैंने कितना जोर लगाया कि वीडियो किस किस को पसंद आई है, किस किस को पसंद नहीं आई है, तो प्लीज लाइक एंड डिसलाइक जरूर कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और नहीं लगे तो डिसलाइक। और गाइस आपको SEO के बारे में कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद गाइस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।